Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter, chapter number 3, playing with numbers. So इस video में हम discuss करेंगे factors and multiples. ठीक है, तो start करते हैं with factors, कि factors होते क्या हैं. ठीक है, एक number लेते हैं हम 6. अब हम ये find out करेंगे कि 6 किस किस की table में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले 6 1 के table में आता है, 1 multiply by 6. 6. Then 6 2 के table में भी आता है, 2 multiply by 3, 6. ठीक है, इसके बाद 6 3 के table में भी आता है. देखो 3 2 जा 6. एंड देन 6 जो है वो 6 के table में भी आता है, 6 1 जा 6. ठीक है, इसके अलावा 6 किसी के table में आता है? नहीं. तो देखो किस किस के table में आ गया, 1 2 3 एंड 6. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम 1 2 3 एंड 6. ठीक है, तो 6 नंबर जो है वो इन नंबर्स के टेबल में आता है. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 6. इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है फैक्टर्स. ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर गिवन है, आप फाइंड आउट कर लो कि वो किस किस के टेबल में आता है. ठीक है, उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं फैक्टर्स. ठीक है, और हम ये जो नंबर्स हमें ऑब्टेन हुए हैं, इन नंबर्स से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि 6 1 से भी डिविजिबल होगा, 6 2 से भी डिविजिबल होगा, 6 3 से भी डिविजिबल होगा, और 6 6 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, यानी कि फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है, तो ये हो गया अबाउट फैक्टर्स. एक और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 20. ठीक है, तो सबसे पहले 21 के टेबल में आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 20, 20. देन 2, 2 इंटू 10. ठीक है, 2 टेन ज़ा 20. देन 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4, 4 5 ज़ा 20. ठीक है, अब देखो ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे. कैसे रेसिप्रोकल, मतलब ऑपोजिट हो जाएंगे. देखो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा. ठीक है, देन 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा. ठीक है, अब सीधा 10 में आएगा, 10 टू ज़ा. ठीक है, देखो हो गया ना 10 टू ज़ा 20. ठीक है, इसी तरीके से 20 इंटू 1 हो जाएगा 20. अब देखो कौन से नंबर्स हमें ऑप्टेन हुए हैं, 1 2 4 5 10 एंड 20. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 20. ओके, अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो सिंपली मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया, टेबल्स. ठीक है, आप टेबल्स लिखते हो, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4. ठीक है, मल्टीपल्स में भी वही चीज़ होती है, जैसे कि हमें बोला गया है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि 2 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखो. तो हम क्या करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो देखो 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन से हो गए, 2 4 6 8 एंड 10. ठीक है, तो ये हो गए 2 के मल्टीपल्स. एक और एग्जांपल देखते हैं. अब मान लो हमें बोला गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो कैसे लिखेंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. ठीक है, तो 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो गए, 9 सबसे पहले तो 9 ही आ जाएगा, 9 वन ज़ा 9, राइट. देन 18, 27, 36 एंड 45, ये हो गए मल्टीपल्स ऑफ 9. अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स को लेके हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम देखेंगे. सो यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, हर एक नंबर का जो फैक्टर होता है वो वन होता है सबसे पहले. ठीक है, यानी कि जब भी बोला हो कि हम गिवन नंबर का फैक्टर लिखो, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, वन लिख देंगे. ठीक है, जैसे कि मान लो हमने स्टार्ट किया था, जैसे सिक्स का हमें फैक्टर निकालना था. ठीक है, तो हमने वन से ही स्टार्ट किया था, वन सिक्स ज़ा सिक्स. ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर दिया हो, मान लो 27, तो वन मल्टीप्लाई बाई 27, 27. ठीक है, यानी कि वन जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि हर एक नंबर को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो वन इज़ द फैक्टर ऑफ
एवरी नंबर. देन सेकेंड कंक्लूजन है हमारे पास, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ. यानी कि जो गिवन नंबर होता है, ठीक है, उसका वही वो खुद भी एक फैक्टर होता है. जैसे कि 6 दिया है, ठीक है, तो 6 का सबसे पहले हमने निकाला था 1 6 6, ठीक है, देन 2 3 6, 3 2 6 एंड 6 1 6, ठीक है. तो देखो 6 का सबसे पहले तो 1 एक फैक्टर हो गया और 6 खुद भी एक फैक्टर है, ठीक है. इसी तरीके से हमें कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, तो वो जो नंबर होता है वो खुद का एक फैक्टर होता है. जैसे 27 दिया है तो 27 का सबसे पहला तो 1 आ जाएगा और सबसे लास्ट क्या आ जाएगा, 27 खुद, ठीक है. तो जो गिवन नंबर होता है उसका फैक्टर वो खुद भी होता है. देन थर्ड कंक्लूजन देखते हैं. थर्ड कंक्लूजन है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. यानी कि मान लो जैसे कि 6 दिया है, ठीक है, हमें बोला इसके फैक्टर्स निकालो, तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम 6 को हम इनसे डिवाइड कर सकते हैं. 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड होगा और 6 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा. 6 1 6, ठीक है, 3 2 6, 2 3 6 एंड 1 6 6, ठीक है. यानी कि जो भी फैक्टर्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइज़र होते हैं गिवन नंबर के, ठीक है. उन जो फैक्टर्स आते हैं हम उन नंबर्स को यूज़ करके गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा थर्ड कंक्लूजन कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइज़र होते हैं गिवन नंबर के. देन देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, ठीक है. अब इस कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो गिवन नंबर के या तो लेस देन होते हैं या इक्वल होते हैं, यानी कि या तो उस नंबर के बराबर होंगे या तो उस नंबर से छोटे होंगे, ठीक है. जो फैक्टर्स होते हैं वो गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. जैसे कि यहाँ पे 6 है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 6, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी फैक्टर इज लेस देन, यानी कि देखो 1 2 3 6 से लेस हैं यानी कि छोटे हैं, और इक्वल यानी 6 और 6 इक्वल हो गए. तो जो भी फैक्टर्स ऑप्टेन होते हैं किसी भी नंबर के, या तो वो उसके बराबर होगा या उनसे छोटा होगा, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन है नंबर 5. इट सेज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी काउंटेबल, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. ये होता है मीनिंग फाइनाइट का. अब जैसे कि 6 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 3 एंड 6, तो हम काउंट कर सकते हैं 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है. तो यही कहना चाहता है फिफ्थ कंक्लूजन के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट होते हैं और फाइनाइट होते हैं, ठीक है. ये है फिफ्थ कंक्लूजन. अब देखते हैं सिक्स्थ कंक्लूजन. इट इज़ अबाउट मल्टीपल. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है. ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हम मल्टीपल्स लिखते हैं 5 के, ठीक है. तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन, ठीक है. इसी तरीके से जाएगा. अब देखो ये कंक्लूजन हमें क्या कह रहा है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी कि हर एक मल्टीपल जो होता है, ठीक है, जैसे ये गिवन नंबर का हर एक मल्टीपल जो है, इट इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो वो उस नंबर के इक्वल होगा, जैसे 5 और 5 इक्वल हो गए और बाकी के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, उससे बड़े होंगे. यानी कि देखो 5 ये गिवन नंबर है,
10 उससे बड़ा है, 15 भी उससे बड़ा है, 20 भी उससे बड़ा है, ठीक है। तो मल्टीपल के केस में क्या होता है कि गिवन नंबर के मल्टीपल्स इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे, और फैक्टर्स में कैसा था, इक्वल एंड लेस देन, ठीक है। तो गिवन नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो उससे इक्वल होंगे या छोटे होंगे, और मल्टीपल के केस में क्या है, या तो इक्वल होंगे और या ग्रेटर यानी कि बड़े होंगे, क्योंकि वो मल्टीपल्स हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो या तो इक्वल जाएगा और ग्रेटर जाएगा, ठीक है। ये था कंक्लूजन नंबर 6। अब देखते हैं 7th कंक्लूजन, द नंबर ऑफ मल्टीपल, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। देखो अभी ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि ये जो गिवन नंबर के मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है 5, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, इस तरीके से ये जाता ही जाएगा आगे, ठीक है। तो जो मल्टीपल्स होते हैं गिवन नंबर के वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। एक और कंक्लूजन देखेंगे हम, नंबर एट कंक्लूजन है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो गिवन नंबर होता है वो खुद का भी मल्टीपल होता है। जैसे कि हमें बोला है 7 के मल्टीपल्स लिखो, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो 7 खुद का भी मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो यही कह रहा है कंक्लूजन, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर जो गिवन होता है वो खुद का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है, ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं 6 के। अब इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो 6 प्लस 3 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो ये सारे फैक्टर्स को ऐड करने पे क्या हुआ, जो नंबर हमें दिया था उसका डबल हो गया, ठीक है। 6 के फैक्टर्स लिखे थे और फैक्टर्स को हमने ऐड किया, तो आंसर क्या आया, 12 आया, जो कि इसका डबल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और नंबर लेंगे, जैसे कि लेते हैं 28, ठीक है। अब 28 के फैक्टर्स क्या है, तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 28 28, देन 2 इंटू 14 28, ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 7 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, और लास्ट में 14 2 ज़ा 28 एंड लास्ट में आ जाएगा 28 1 ज़ा 28, ठीक है। तो ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 28। अब इन्हें हम प्लस करते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, ठीक है। अब देखो सबको ऐड करो, 14 प्लस 7 21 20 21 प्लस 4 25 26 27 28, और 28 प्लस 28 हो जाता है 56, ठीक है। तो देखो इनको ऐड करने पे भी क्या हो गया, 28 का डबल हो गया, ठीक है, यहाँ 6 का डबल हो गया, हमने सारे फैक्टर्स को ऐड किया, और यहाँ पे हमने 28 के सारे फैक्टर्स को ऐड किया, तो 28 का डबल हो गया। तो ऐसे ही नंबर्स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही नंबर्स को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर्स बोलेंगे, यानी कि 6 एक परफेक्ट नंबर है और 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। अब हम चलेंगे ट्राई दिस पे, जो कि गिवन है आपके पेज नंबर 48 पे। सो स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस, जो कि गिवन है आपके पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 पे, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45, 30 एंड 36, ठीक है, यानी ये तीनों नंबर्स के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 45, ठीक है, स्टार्ट करेंगे विद 1, सो 1 इंटू 45 इज़ 45, ओके, देन 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 इंटू 15 45, देन 4 से भी नहीं जाएगा, 5 9 ज़ा 45,
ठीक है, सिक्स में नहीं, सिक्स के टेबल में नहीं आता है, 45 सेवन के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, अब आएगा 9, तो 9 5 ज़ा 45। अब देखो अब सब इन्वर्ट होते जाएंगे, यहाँ 5 9 था तो 9 5 हो गया, अब हो जाएगा 15 into 3 45 एंड देन 45 into 1 45। ठीक है, तो 45 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 देन 3 देन 5 देन 9 15 एंड 45। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 45। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 30। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 multiply by 30 30, देन 2 multiply by 15 is 30, देन 3 10 ज़ा 30, ठीक है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब देखो अब सब इन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है, 6 5 ज़ा 30 देन 10 3 ज़ा 30, फिर हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 और लास्ट में हो जाएगा 31 ज़ा 30। ठीक है, अब देखो 30 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, सबसे पहले तो 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 6 10 15 एंड 30। ठीक है, सो 1 2 3 5 6 10, 15 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। अब हम देखते हैं 36। लेट्स सी 36। सो फर्स्ट आएगा 1 multiply by 36 is 36। देन 2 into 18 is 36। देन 3 into 12 is 36। देन 4 9 ज़ा 36, 5 के टेबल में 36 आता नहीं है, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, 7 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी 36 नहीं आएगा, देन 9, अब देखो सब ऑपोजिट होता जाएगा। ठीक है, तो 4 9 ज़ा 36 देन 12 3 ज़ा 36 18 2 ज़ा 36 और 36 1 ज़ा 36। ठीक है, ख़त्म हो गया, अब फैक्टर्स लिख देते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 देन 2 3 4 6 9 12 and 18। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।